तो क्या आप लोग को भी अपने इस T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में इसे यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर यहाँ पर जो आप लोग को देखने को मिल जाता है, मैं अभी आप लोग यहाँ पर दिखा देता हूँ। लिस्ट व्यू के ऊपर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग यहाँ पर फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। अगर आप लोग को इन तीनों एप्लीकेशन का यहाँ यूज़ करना है तो आप लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर यही जानने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल आप लोग यहाँ पे करना क्या है, T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच या T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच में इन तीनों एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखना होगा क्या आप लोग का स्मार्टफोन स्मार्ट वॉच अपडेट है या नहीं। तो आप लोग को स्मार्ट वॉच अपडेट कर देना है। स्मार्ट वॉच अपडेट कैसे करें, तो पहले आप लोग को तो स्मार्ट वॉच अपडेट करने से पहले स्मार्ट वॉच कनेक्ट कर देना होगा। अब कनेक्ट कैसे करते हैं, तो कनेक्ट करने के लिए स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने के लिए स्मार्टफोन से इसको ऊपर आप लोग को यहाँ पर जो क्लिक कर देना होगा, तो यहाँ पर देख सकते हो QR कोड है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर QR कोड का आप लोग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब आप लोगों को सिंपली इसे स्कैन कर देना है। स्कैन करने के बाद जो आप लोग को सिंपली वहाँ पर जो इसे डाउनलोड कर देना है, उसके बाद जो आप लोग को सिंपली अपने स्मार्ट वॉच का जो है ब्लूटूथ को यहाँ पर एक्टिवेट कर देना है। तो उसके बाद जो आप लोग यहाँ पर करना है क्या, सिंपल आप लोग को इसमें ओपन कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर इसे ओपन कर दोगे उसके बाद जो सिंपली यहाँ पर आप लोग का T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाएंगे। आप लोग को इसे कनेक्ट कर देना है। अगर आप लोग को कनेक्ट करने नहीं आता है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हो कि स्मार्ट वॉच को किस तरीके से स्मार्टफोन से कनेक्ट करते हैं। अब जैसे जो आप लोग इसे यहाँ पर कनेक्ट कर दोगे, कनेक्ट करने के बाद जो आप लोग को ऊपर की तरफ यहाँ पर स्वैप कर देना होगा। अब और ऊपर की तरफ आप लोग को यहाँ पर स्वैप करना है। इसमें आप लोग को यहाँ पर जो देखने को मिल जाएगा ऑप्शन OTA अपग्रेड का, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करके स्मार्ट वॉच को अपडेट कर देना होगा यहाँ से। अब जैसे आप लोग अपडेट कर दोगे यहाँ से, उसके बाद जो आप लोग को सिंपली ऊपर की तरफ यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर स्वैप करना होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप यहाँ पर दिया गया है। अब जैसे आप लोग इसके ऊपर अभी भी क्लिक करोगे तो आप लोग का यहाँ पर नहीं ये होगा। अगर आप लोग को भी इस तरीके से अपने स्मार्ट वॉच में यहाँ पर व्हाट्सएप को यूज़ करना है तो आप लोग यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, मैं अभी आप लोग को यहाँ पर बता दूंगा किस तरीके से व्हाट्सएप यहाँ पर जो यूज़ होता है। तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर जो है यहाँ पर देख सकते हो नीचे की तरफ आप लोग यहाँ पर आ जाना है। आप लोग सोच रहे हो हम लोग अभी इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारे स्मार्ट वॉच में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वैसा तो अभी यहाँ पर नहीं होने वाला। इसमें बहुत सारा सेटिंग्स है, आप लोग यहाँ पर पहले देखो इस वीडियो को लास्ट तक तो ही यहाँ पर जान पाओगे। तो यहाँ पर आप लोग इस स्मार्ट वॉच में यहाँ पर जो है इन तीनों एप्लीकेशन को यहाँ पर जो आप लोग यहाँ पर नहीं चला सकते हो, पर क्यों मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ। इन तीनों स्मार्ट वॉच में आप लोग का एप्लीकेशन जो देखने को मिलते हैं जो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप का है, इसमें जो है आप लोग ऑनली नोटिफिकेशन सबको रिसीव कर सकते हो, ना कि आप लोग इस स्मार्ट वॉच में व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक यहाँ पर चला सकते हो। ये आप लोग को यहाँ पर जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, नो मैसेज, यानी कि इस स्मार्ट वॉच में अभी इसका व्हाट्सएप की तरफ से कोई भी मैसेज यहाँ पर नहीं रिसीव हुआ है, फेसबुक की तरफ से कोई भी मैसेज यहाँ पर रिसीव नहीं हुआ है, ट्विटर की तरफ से कोई भी मैसेज यहाँ पर नहीं है। अगर जो सा भी आप लोग का मैसेज आएगा जिसके ऊपर यानी कि व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग का मैसेज आया, जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग को वहाँ पर जो है मैसेज देखने को मिल जाएंगे। आप लोग ऊपर से नीचे की तरफ स्वैप करोगे तब पर भी आप लोग यहाँ पर मैसेज ऑप्शन आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब आप लोग को मैसेज कैसे यहाँ पर रिसीव करना है, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर पहले कनेक्ट कर देना होगा। कनेक्ट कर लोगे, मैसेज पुश के ऊपर सिंपली आप क्लिक कर देना है, यहाँ पर ये लोडिंग लेगा। उसके बाद जो आप लोग यहाँ पर सारा ऑप्शन ऐप्स के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मेन क्या था हमारा, फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप जो कि यहाँ पर दिया गया। अब आप लोग को सिंपल यहाँ पर करना है क्या, इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे, ओपन के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर आप लोग को दिस फीचर इज नॉट अवेलेबल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखो द फ्लोविंग एप्लीकेशन आर नॉट सपोर्टेड बाय ब्रैकलेट, तो हम लोग अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर जो है किसी भी जैसे SMS रिवाइंड को हम लोग यहाँ पर लेना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे, अलाउ के ऊपर आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर ये कमिटिंग होगा, यानी कि ये जो ऑप्शन है आप लोग यहाँ पर इनेबल हो चुका है। जैसे फेसबुक का करना है, यहाँ पर देख सकते हो फेसबुक यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग को ट्विटर का भी देख लेते, यहाँ पर ट्विटर को भी ओपन यहाँ पर ऑप्शन नहीं हो रहा है। और व्हाट्सएप एक बचा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये सब ऐप्स आप लोग यहाँ पर दिया गया है, ये भी फ्रेंड्स यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली करेंगे, एक बार हम लोग अपने स्मार्ट वॉच को फिर से यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं इस स्मार्ट वॉच से। तो हम लोग पूरी तरीके से जो है इसे यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर देना, फिर से आप लोग को एक्टिवेट यहाँ पर करना होगा, ब्लूटूथ को एक्टिवेट करो, उसके बाद फिर से आप लोग को इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है अपने स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच जिससे कनेक्ट कर रहे हो उसको दोबारा आप लोग को यहाँ पर जो इस तरीके से यहाँ पर ओपन करना होगा। उसके बाद जो है दोबारा जो है आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर देना होगा। अब देखो यहाँ पर होता है या नहीं, तो यहाँ पर ये अभी स्टार्ट हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर देख सकते हो इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे दोबारा यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब हम लोग यहाँ फिर से इस स्मार्ट वॉच को इससे यहाँ पे कनेक्ट कर देना होगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पर पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और ये स्मार्ट वॉच इससे यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हो डिवाइस कनेक्ट डिसकनेक्टेड यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर ये कनेक्ट हुआ था, फिर से यहाँ पर लग रहा है डिवाइस डिसकनेक्ट हो गया। फिर से इसके ऊपर क्लिक करके फिर से कनेक्ट कर लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पर देख सकते हो स्मार्ट वॉच यहाँ पर T900 Ultra लिखा हुआ आ चुका और ये कनेक्ट हो गया है। फिर से मैसेज पुश के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये स्टार्ट अभी हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो अगर आप लोग को यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन को रिसीव करना है तो ओनली आप लोग नोटिफिकेशन को यहाँ पर रिसीव कर सकते हो, वो भी किसी किसी में आप लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन को यहाँ पर रिसीव कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते दिस फीचर इज़ नॉट अवेलेबल ऑन दिस डिवाइस। तो अगर आप लोग अपने स्मार्टफोन से कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पर जो है कर सकते हो। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद आप लोग का यहाँ पर जो नोटिफिकेशन वहाँ पर अनेबल आ जाएंगे करने को। यहाँ पर व्हाट्सएप भी है, अगर हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर हमें क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर नहीं आ रहा। हो सकता है अगर आप लोग अपने स्मार्टफोन से करो तो आप लोग वहाँ पर जो है आ जाएंगे करने का। इसमें आप लोग को यहाँ पर जो है आप लोग जो है इस स्मार्ट वॉच में फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर को यूज़ नहीं कर सकते, ओनली आप लोग जो है उस स्मार्ट वॉच से जो है मैसेज को आप लोग रिसीव कर सकते हो। इतना सारा आप लोग यहाँ पर दिया गया है। स्नैपचैट देख सकते हो, बहुत सारा चीज़ आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, पर ये क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो। द फ्लोविंग एप्लीकेशन आर नॉट सपोर्टेड बाय सम ब्रैकलेट। यहाँ पर जो है कुछ कुछ आप लोग का यहाँ पर जो है इसमें यहाँ पर वर्क नहीं करेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर करेंगे इन सब स्मार्ट वॉच में वर्क करते हैं, पर यहाँ पर ये भी ओपन नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ओनली यहाँ पर एक ही यहाँ पर जो है अभी ओपन हुआ है। हम लोग इसे भी यहाँ पर ऑफ कर देते हैं और इसे भी हम लोग यहाँ पर ऑफ करते हैं, यहाँ पर ये ऑफ ही नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर किसी किसी एप्लीकेशन को आप लोग यहाँ पर मैसेज रिसीव करने के लिए आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। बट आप लोग जो सोच रहे हो हम लोग स्मार्ट वॉच में चला लेंगे तो वो आप लोग यहाँ पर जो नहीं यूज़ कर सकते हो। किसी भी आप लोग यहाँ पर जैसे व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर का आप लोग यहाँ पर जो है यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप लोग वैसा स्मार्ट वॉच चाहिए जिसमें कि व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर चले तो आप लोग को दूसरा स्मार्ट वॉच परचेस करना होगा, जो कि मेरे पास S16 Ultra है। इसमें सभी चीज़ यहाँ पर चलते हैं। तो अगर आप लोग सोच रहे हो हम लोग इस स्मार्ट वॉच में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर को यूज़ कर सकते हैं तो वैसा यहाँ पर नहीं होने वाला है। आप लोग ओनली मैसेज को यहाँ पर रिसीव कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप लोग को करना है। कनेक्शन करने में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आता है, तो अगर आप लोग को यहाँ पर कनेक्शन करने में भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए आप लोग को सिंपली करना क्या है, एक बार अपने स्मार्ट वॉच का जो है T900 Ultra स्मार्ट वॉच को सिंपली एक बार अपने स्मार्ट वॉच को करना क्या है, इस तरीके से पावर ऑफ कर देना है। पावर ऑफ करने के बाद दोबारा आप लोग को स्मार्ट वॉच को पावर ऑन करना है। पावर ऑन जैसे आप लोग यहाँ पर करोगे उसके बाद जो है आप लोग को सिंपली अपने स्मार्ट वॉच या स्मार्टफोन में इस ऐप्स को दोबारा यहाँ पर ओपन करना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक से तुरंत यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएंगे। देख सकते हो जैसे ये स्मार्ट वॉच ऑन हुआ उसी वैसे ही यहाँ पर जो है बहुत फास्टली ये स्मार्ट वॉच यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। अगर आप लोग का नहीं हो पा रहा होगा तो रीसेट करना, रीसेट करने के बाद दोबारा रीस्टार्ट करना, उसको कनेक्ट करना, ऑटोमेटिक से ये कनेक्ट हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो है मैसेज सबको यहाँ पर जो है रिसीव कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।